तो आज की रेसिपी है हमारी बहुत क्विक सी छोले दही बड़े की रेसिपी, मीठे दही बड़े और छोले की रेसिपी जो बहुत क्विकली तैयार हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल चने एक प्याली। ये हर घर में रमजान में मौजूद होते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्याली ले लिए हैं बॉइल चने, एक प्याली ले ली है दही और एक प्याली ले ली है मैंने बूंदी, जिसे मैंने पानी में आधे घंटे भिगा के इस तरह सॉफ्ट कर ली है। साथ ही यहाँ मैंने ले लिए मीडियम प्याज एक अदर, बारीक स्लाइस कट कर लिए, थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ टमाटर कट कर लिया है और थोड़ा सा खीरा कट कर लिया है। साथ ही लिया है दही बड़ा मसाला, चाट मसाला और यहाँ 4 टेबल स्पून मैंने ली है पिसी हुई चीनी, क्योंकि ये मीठे छोले दही बड़े की चाट है। और साथ ही लिए ये इमली की मीठी चटनी जो मैंने आपको बनाना बताई थी, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर एक बाउल ले लेते हैं और उसमें दही डाल देते हैं, पिसी हुई चीनी डाल देंगे, इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। हाँ, बाउल छोटा है तो मैं बड़े बाउल में इसे शिफ्ट कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर दही अच्छे से फेंट चुका है, यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे बूंदी, ऐड कर देंगे छोले। बहुत क्विक से और बहुत मज़ेदार से ये चाट बनकर रेडी हो जाती है। जब भी आप अर्जेंटली आपको बनाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो ऊपर से हम थोड़ा सा ये जो हमने दही बड़ा मसाला बनाया था और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ये बोर्ड हमने डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ डाल देंगे चाट मसाला और ये जो मैंने आपको इमली की मीठी चटनी बनाना बताई थी, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और थोड़ी सी ये डाल दें। तो आप इस तरह रेडी करके इसको रख लीजिएगा और इस तरह ये कट करके रख लीजिएगा, साथ ही पापड़ी भी रख लीजिएगा। जब आपको सर्व करना हो तो आप जितना आपको जैसा पसंद करते हो उतना आप डाल के सर्व कर लीजिए। वही पापड़ी है जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगी, ये मैंने आपको बनाना सिखाई थी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। चले मैं आपको एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लीजिएगा, उस तरह आप डाल के सर्व कर लीजिएगा। देखिए पापड़ी भी हमारी कितनी क्रिस्पी सी रेडी हुई थी। साथ ही ऊपर से डाल दीजिएगा इमली की खट्टी मीठी चटनी जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी मीठे छोले दही बड़े की, जो बहुत क्विकली बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इस तरह रेडी करके रख दीजिएगा और इस तरह सारी साइलेट कट करके रख दीजिएगा, जिसको जो पसंद हो वो अपने हिसाब से डालकर खा लेगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।